हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्रिएशन टू इंस्पायर। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया वीडियो जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल है। बेसिकली हम एवरी फेस्टिवल में इसका यूज़ करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक वाइट कलर का कार्डबोर्ड लिया है। अगर आपके पास इस तरह का कार्डबोर्ड ना हो तो आप ब्राउन कलर का कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पेंसिल की हेल्प से और कंपास रूलर की हेल्प से यहाँ रफली ड्रॉ कर लिया है। तो आप इस तरह से रफली ड्रॉ कर सकते हैं। अब मैं कार्डबोर्ड कटर की हेल्प से इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट पेटल्स सर्कल बनाए हैं जिसे कि मैं अब कट करूँगी। तो इस तरह हमें कट करते हुए जाना है। तो यहाँ मैंने सेंटर पोर्शन कट कर लिया है। अब इसी तरह हम पेटल्स को भी कट करेंगे। तो यहाँ एक एक करके मैं सभी पेटल्स को कट कर लिया है। अब आउटर पेटल्स है उन्हें भी मैं कट करके निकाल लूँगी। तो ये हमारे आउटर पेटल्स भी कट करके हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे लूँगी वॉल पुट्टी, 2 टेबल स्पून वाटर एंड 2 टेबल स्पून वाइट ग्लू। अब मैं तीनों को मिक्स करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। ये हमारा बेस कोट होगा और इसे मैं सभी पर अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। तो इस तरह हमें ब्रश की हेल्प से इसे अप्लाई करना है। तो यहाँ एक एक करके मैं सभी पर यह बेस कोट अप्लाई कर लूँगी। तो यहाँ सब पे अप्लाई करने के बाद मैं इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। तो यहाँ सब ड्राई हो गए हैं। अब मैंने ये सेंटर पोर्शन लिया है जिसमें मैं ब्राइट रेड कलर को अप्लाई करूँगी। तो यहाँ मेरा कलर करके हो गया है। अभी मैं आउटर 3 पेटल्स को लूँगी जिसको मैं रेड कलर से कलर करूँगी। तो यहाँ तीनों पेटल्स को मैं रेड कलर कर रही हूँ। अब जो रिमेनिंग 3 पेटल्स है उनको मैं डार्क ग्रीन कलर अप्लाई करूंगी। अब ये सेंटर के जो पेटल्स हैं उनको मैं व्हाइट कलर से कलर कर लूंगी। तो यहाँ एक एक करके मैं सभी को व्हाइट कलर अप्लाई कर लूंगी। अब मैं सेंटर पोर्शन लूँगी और इसमें 3D आउटलाइनर से कुछ डिटेलिंग करूँगी। ये 3D आउटलाइनर मेरा होममेड है। आप चाहो तो इसे घर पर भी बना सकते हो। इसके लिए हमें सेम रेशियो में वॉल पुट्टी, वाटर और वाइट ग्लू का यूज़ करना है और हिना लाइक पेस्ट बनाकर इसे कोन में फिल करना है और इसका यूज़ करना है। तो यहाँ मैं कुछ डिटेलिंग कर रही हूँ। ये डिटेलिंग आप अपने चॉइस के हिसाब से भी कर सकते हैं। यहाँ कुछ मिरर है मेरे पास, मैं उन्हें ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लूँगी। तो यहाँ एक एक करके मैंने सभी को स्टिक कर लिया है। तो यहाँ मेरे सेंटर पोर्शन की डिटेलिंग हो गई है। अब मैं जो सेंटर पोर्शन के पेटल्स है उसमें एक्रिलिक कलर से डिटेलिंग करूँगी। तो कुछ इस तरह से मैं इस पर डिटेलिंग कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने सारे ब्राइट कलर का यूज़ किया है बिकॉज हम यहाँ ट्रेडिशनल रंगोली बना रहे हैं। इस तरह से कुछ डिज़ाइन बनाई है मैंने। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो मेन बेसिक कलर होते हैं उन्हीं का यूज़ किया है। तो इसी प्रकार मैं और भी जो बाकी के पेटल्स हैं उन पर भी सेम डिज़ाइन बना लूँगी।
तो यहाँ पे मेरे सभी पेटल्स इसी तरह बनाकर रेडी करना है। अब मैं जो आउटर 3 रेड कलर के जो पेटल्स हैं उन पे इस तरह की कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ। तो इस तरह हमें कुछ डिटेलिंग करना है। यहाँ पर मैंने कुछ मेरे पास स्टोन्स थे वो मैंने यहाँ यूज़ किए हैं। अगर आपके पास हो तो आप यूज़ करिए, नहीं हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। इस तरह मैंने कुछ छोटी डिटेलिंग की है जो दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, और सभी ब्राइट कलर पे वाइट कलर बहुत ही उठकर दिख रहा है। तो इस तरह हमें बनाते हुए जाना है। इसी प्रकार ग्रीन कलर के जो पेटल्स हैं उस पर भी मैं डिज़ाइन बनाऊंगी। तो सेम डिज़ाइन मैं बाकी के पेटल्स पर भी रेडी कर लूँगी। तो यहाँ हमारे आउटर 6 पेटल बनके रेडी हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे सारे पेटल बनकर रेडी हो गए। तो यहाँ हमारी रंगोली बनकर रेडी हो गई है। रंगोली कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब मैं आउटर पेटल्स को अरेंज करूँगी। तो मैं इसे अल्टरनेट लगा रही हूँ, एक रेड एक ग्रीन। तो ये रहा हमारी रंगोली का फाइनल लुक। अब मैं यहाँ कुछ कैंडल ले रही हूँ और इन कैंडल का यूज़ करके रंगोली को और डेकोरेट कर रही हूँ। तो इस तरह मैंने इसे डेकोरेट कर लिया है। जिस दिन भी हमारे यहाँ फेस्टिवल होता है तो हम इस तरह की ब्यूटीफुल रंगोली का यूज़ करके हम हमारे घर को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो आप किसी भी ओकेशन पे इसका यूज़ कर सकते हो, किसी भी फेस्टिवल पे यूज़ कर सकते हो। तो गाइस कैसा लगा आपको मेरा रंगोली का आइडिया? अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग DIY देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, बेल बटन को हिट करना ना भूलिए ताकि जो भी मैं नए अपडेट लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सीधे मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग DIY के लिए। टिल देन एंजॉय माय वीडियोस।